बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और सॉरी, आज की वीडियो में आप खुशामदीद कहते हैं। तो ये यहाँ का बड़ा ट्रेडिशनल सा वेपन है जिसको इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस काम के लिए। तो आज हम पहुँचे हैं बड़ावा। बड़ावा आज़ाद कश्मीर के अंदर एरिया, और यहाँ पर जो ट्रेडिशनल इनका वेपन इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, इसका इस्तेमाल भी। और आज यहाँ पे जो हमें नए दोस्त मिले, सिर्फ ज़िया, तो ज़िया भाई के साथ हम जा रहे हैं पेड़ों की सैर करने, आम के पेड़ों की। कितने आम के पेड़ हैं? तकरीबन 250 से 300 आम के पेड़ हैं, और हम वो विज़िट करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं, आ जाओ। वैसे यहाँ पे जो है पौधे बहुत बहुत पुराने हैं, तकरीबन हर पौधा जो बहुत बहुत पुराना है। अब ये वाला जो आम का बाग है, ये तकरीबन बता रहे हैं कि ये 47 से पहले का है, 1947 से पहले का बाग है। तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा कर लें कि कितना अरसा हो गया इस बाग को। ये देखें बाग, सारे का सारा बाग, ये देखें, ये सारे का सारा बाग है। और इतना ही इससे परे भी बहुत ज़्यादा बाग है। मुझे तो लग रहा है ना कि आम के पौधे जो ज़्यादा इकट्ठे लग रहे हैं वो उस साइड पे लग रहे हैं सामने। तो अभी उधर चलते हैं और फिर वो दिखाते हैं आपको। यूँ ही चलते चलते और बातें करते करते हम लोग उस झुंड में पहुंच गए हैं, अल्लाह अकबर, जहाँ पे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। पानी आ गया हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आम, क्या बात है माशाल्लाह। यानी कि अगर आपके सामने इस तरह से आम लगे हों, इतने पक्के पक्के, वो भी करीब के आप जम मार के आम तोड़ सको, तो आप क्या करोगे। और ये देखें पक्के पक्के आम गिर रहे हैं, वाह वाह वाह, क्या बात है बोनस की। देखें कच्चे पक्के आम, और ये अंकल जी जो है ये आम गिरा रहे हैं कच्चे पक्के। अल्हम्दुलिल्लाह, और इस तरह से नीचे से उठा के तो हम इसमें जब थोड़े में भरते जा रहे हैं। कच्चे ने सारे या पक्के ने? कच्चे ने। तो ये जो आम तोड़े जा रहे हैं, ये तोड़े जा रहे हैं कच्चे आम, किसके लिए जी? अचार के लिए। और इनका मैं वेपन आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये नॉर्मल बांस की सोटी, और इसकी जो ख़ास चीज़ है वो ये है, ये देखें। इनके ऊपर उन्होंने इस तरह से बांध के तार के साथ ऊपर किया हुआ है इसको, बस आम के साथ मिला लगा के ऐसे करते तो आम निकल जाता है। और मैं आपको डेमो दिखाता हूँ आम उतारने का। यानी कि ये आम है हमारे पास, ये आम आ गया हमारे पास। तो यार इतने जरा भी अपना कोई और फल है इसके अलावा जरा काफ़ी ज़्यादा लगता है? इसके अलावा एक और फल है, उस सर्दियों चुन रहा है बेरी थे ना, बेर पहनते हैं बेर, वो गाना ना, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो कांटा चुभ जाएगा। ज़्यादातर ऐसे वास तोता नहीं, तोता वो ही खाता ज़्यादा, तोता आंदा है सर्दी तो जरा तोता आंदा ना साइड से वो ज़्यादातर खाता है। सही, तुसी नहीं खाते ना? असं सिर्फ वो बकरियां नूं पाने आ। अच्छा, तो साढ़े तो पता किड्डा महंगा होंगे बेर, मतलब बेचे कोई नहीं असि तो जो बचता ना उत्ते जिते नहीं साढ़े को बेरी तो पहुंचना होंगे उत्थे ज्यादातर तोता वगैरह ना दिन इस टाइम ना बहन है। सही देंगे 9-10 बजे ना आंदा है सुबह या शाम ना ज्यादातर। सही, यानी कि सर्दियों में यहाँ पे जब यहाँ पे बेर लगते हैं तो तोता जो है वो आके तो वो बेर खाता है यहाँ पे इस एरिया के जो अंदर परिंदा फिरने के लिए आता है वो तोता आता है। गर्मियों में कड़ा परिंदा आता है? गर्मियों च एक खड़क खड़क, सर्दियों में भी आता है। और यहाँ पे मुझे लग रहा था शायद ना इन्होंने फल का पौधा जो है वो काट दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पौधा जो था कुछ दिन पहले बारिश हुई उसकी वजह से गिर गया था, टूट के गिर गया था। तो मतलब ये कि आंधी बहुत तेज थी और उसकी वजह से जो है वो पेड़ नीचे गिरा, और उसके बाद इन्होंने जो है उसकी लकड़ी इस्तेमाल कर ली। एम आई राइट? बिल्कुल राइट।
और ये भाई जो है वो स्पेशल आम लेके आए हैं माशाल्लाह। तो ये जो फल है माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इस पर फल लगा हुआ है, देखें यानी कि जिस भी शायद पे साइड पे जाए वो टहनी के एंड पे नज़र पड़े आपको, यहाँ से गुच्छे गुच्छे लगे हुए हैं आम के, देखें। ये देखें, तो ये जो पौधा है ये इस पूरे 250 पौधे के अंदर सबसे ख़ास पौधा जो है वो काउंट किया जाता है, और इसकी जो प्राइस रेट है वो भी बहुत हाई है। तो यह पौधा तुम किन्ने दस रहे हो, किन्ने का लिया ठेके से? पौधा से लिया 17,000 रुपये का, यानी कि इस पौधे का एक सीजन का फल 17,000 रुपये का। अल्लाह अकबर। तो उन जो कोई 17,000 के किन्ने बूटे आ गए ने? 17,000 रुपये का से उधर पूरा बाग भी लिया। पूरा बाग 17,000 का और ये एक पौधा 17,000 का, यानी कि ये आम की फिर रिटेल प्राइस कितनी बन जाती है? 100-150 बन जाती है हिसाब से 17,000 के। सही है। नाम किस पौधे का? पौधे का नाम तो कोई नहीं, वैसे बोलते हैं कि चालाला बूटा कर गया। तो इसको जो है वो चालाला पौधा कह के बुलाया जाता है, लेकिन इस आम की कौन सी किस्म है ये भाई को एग्जैक्टली नहीं पता। और कैसा भाई? देसी किस्म का आम है, और वो जैसे मैंने पहले बताया था ना एक आम का आपको कि गुठली छोटी है, इसकी भी गुठली छोटी है, और आम का साइज जो है बाकी सारे आमों से बड़ा है, और फल की अगर गिनती पे आए तो काउंटलेस हैं, और रेट भी जो है इसीलिए इसका इतना है कि, और पौधे को चल वाला इसलिए कहा जाता है कि इसके जो ब्रांचेज हैं वो इस तरह फैली हुई हैं कि पूरा एक बाग के जो इतने पौधे काउंट कर सकते हैं आप उसी तरह से इसकी जो शाखें हैं नीचे से ऊपर तक। ये शाखें इसकी पौधे की जो भाई साहब बता रहे थे आपको, ये ऊपर तक इस तने में भी ऐसे ही हैं, और अगर हम दूसरा तना देखें तो ये वाला तना भी ऐसे ही है, देखें। अभी जो है इसको आम को खा के देखते हैं कि इसका टेस्ट वाकई ऐसा है 17,000 का या बस लोगों ने महंगा इसको बेच दिया, तो अभी देखते हैं। बिस्मिल्लाह। वैसे मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, ये जो भाई हमारे साथ घूम रहे हैं ना ये सारे बाग इनके ही हैं और वो सुन के हंस पड़े क्या कह क्या रहा है। माशाल्लाह पौधे का इसका जो टेस्ट है वो वाकई दूसरों से डिफरेंट है। मैं जो फिर के थक गया हूँ, अभी तक जो है वो आम के सारे पेड़ हमने विजिट नहीं किए हैं, और आम तो ऐसे भी मशहूर है। ये देखें यार कितने खूबसूरत आम है, सुरख। अली भाई चंगा जे आम कट के दो अपनी पसंद, छोटा जे चंगा हो जरा स्वाद आए खान का, तजर्बे का पता लगे मीठा भी होना चंगा। ये अली भाई ने मुझे आम निकाल के दिया स्पेशल गिफ्ट, इन्हें मैंने खुद रिक्वेस्ट की थी कि कोई छोटा सा आम, वो उन्होंने जो है ये खूबसूरत सा आम मुझे दिया निकाल के तोहफे में, और मैं इनको पैसे नहीं देने वाला इसके पैसे देने लेने यार नहीं, कोई मुश्किल नहीं। वैसे अली भाई ने पहले भी बड़ा इंसिस्ट किया था भाईजमत को भी, लेकिन भाईजमत ने इनकार कर दिया क्योंकि भाईजमत ने जो है वो वहाँ आम खीर खाए थे, पता नहीं शायद नाश्ता नहीं किया था इसलिए ज़्यादा भूख लगी हुई थी भाईजमत को, नाश्ता भी ज़्यादा किया लगता है। जो वॉक करवा रहे हैं ना भाईजमत से ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रह रही है भाईजमत के लिए, भूख ज़्यादा लगती है भाईजमत को, तो जो इतराज़ करते हैं ना कि भाईजमत की डाइट का ख्याल नहीं करते सुन लें भाईजमत, अभी इंशाल्लाह कश्मीर से मोटे होकर जाएंगे वापस। तो अभी आप खा के चेक करते हैं कि अली भाई का जो एक्सपीरियंस कैसा है। नहीं वैसे अली भाई से पहले सवाल पूछ लेते हैं, अली भाई किन्ना अर्सा हो गया तुम आम का काम करते हैं? 7-8 साल तक हो गए लगातार। माशाल्लाह 7-8 साल रेगुलर कर रहे हो काम? हर साल। क्या बात है, कितना हाँ क्या हो, कितना आके आए हो? टैंकी के अंदर नहा आए हो? क्या बात है। अली भाई के छोटे भाई, अली भाई एक सवाल एक होर तेरे को, ऐस जिन्ने भी तेरे को आंबे गए जिन्ने भी तेरे को ठीक है जी जी। ना तो सब तो पसंद आम का पौधा केड़ा तेरा? सब तो ज्यादा पसंद पौधा ये इधर नहीं इधर पहले लगे जी जी। सही। तो जी ये अली भाई को जो सबसे पहले वाला पौधा ये ज़्यादा पसंद है, और खास गल क्यों तुम्हें बहुत पसंद है वाला पौधा? क्योंकि गिरी बहुत ज़्यादा।
गिरी ज्यादा जी, गुठली छोटी है, गुठली छोटी है। अच्छा गुठली छोटी है और आम को पसंद करने का वो जो गुलिया मैंने बताया था ना गुठली छोटी वाला, वो यहाँ भी है। और अब जब हम आम खा के देखते हैं कि ये कैसे का, इसके ऊपर ये होता है ना ये वाला, इसका तेजाब सा होता है और ये बड़ा चुपता है, इसको हम साइड पे कर लेते हैं। खैर अब आज तो लेंगे सारा कुछ। बिस्मिल्लाह, वाकई पहली बार में तो काफ़ी मज़ा आया, इवन रस जो है वो थोड़ा सा आया था। ओए होर दंद काट लो तुसी, अख च पा तो छिलके के साथ उतर के आँख में गिर गया थोड़ा। तो जी ये आम की अंदरूनी हालत है, होप सो कि आपको अच्छी लग, अच्छी दिख रही होगी। सॉरी आम का जायका वाकई बड़ा कमाल का, बस इसकी गुठली बड़ी है। और आम खाने का ये अंदाज़ भी आपने पहली दफ़ा ही देखा होगा, और दूसरी तरह आम खाने से अक्सर लोग सोचते हैं कि हाथ थोड़ा सा बच जाते हैं और हाथ गंदे नहीं होते, और असल साहब हाथ जानबूझ के गंदे करके फिर आम खा रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत आम को इंजॉय करना चाहिए। वैसे अली भाई तुम्हें पता है अंबा की अकीदत है? आम को फलों का बादशाह कहते हैं, पता सी इस गल? बहुत अच्छी गल की थी अली भाई ने, और मेरी तरफ से बहुत अच्छा जवाब, बहुत शुक्रिया अली भाई, तुम कमाल का जवाब दिता है। बस वो कितने खुश हुए व्यूअर्स भी जरूर होंगे। यार आम खाने दो।